तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सैमसंग की तरफ से आने वाले 5G डिवाइस के बारे में, जिसका नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A101 यानी कि सैमसंग गैलेक्सी 101। और दोस्तों इस फोन में हमको 5G कनेक्टिविटी के साथ कॉलकम स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर और इसके साथ ही साथ बैक में क्वाड कैमरास का इम्प्रूवमेंट भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A101 के बारे में, क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक कितने प्राइस में ये फोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक, जो कि आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ ही इसको अगर बात करते इसके रैम वेरियंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 रैम वेरियंट, 4GB के साथ 64GB रोम, 6GB के साथ 128GB रोम और 8GB के साथ 128GB रोम भी देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते इसके रियर साइड के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड रियर कैमरा, यानी कि दोस्तों इस फोन के रियर साइड में हमको 4 कैमराज का इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सिंक सेंसर और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसके कैमराज का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। और दोस्तों इस फोन में हमको मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10। और इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4500mAh का बैटरी, जो कि 40W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आने वाला है, जो कि आपके फ़ोन को 0 से 100 तक सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करते इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको कोई नॉच या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस डिवाइस में हमको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका सेंसर होने वाला है 32 मेगापिक्सल, जो कि आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छी सेल्फी खींचने के लिए हेल्प करने वाला है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 6128GB वाला वेंट आपको लगभग मिल सकता है 20 से 25 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20,000 के प्राइस में मिल जाता है कॉलकम स्नैपड्रैगन 865 जैसा तगड़ा प्रोसेसर, 4500mAh का बैटरी और उसके साथ ही 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसे कैमरा और प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हमको काफ़ी अल्टीमेट मिलने वाला है। अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर और एक कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए, तो शायद ये फोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन मार्च महीने में लॉन्च होगा 2020 में। तो दोस्तों यही था सैमसंग गैलेक्सी A101 के बारे में कुछ कंफर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।